हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? वेलकम टू एटीपी। और मैं आपका दोस्त पीयूष मेश्वरी और लेके आया हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक और लेक्चर, मेटलर्जी ऑन डिमांड। ठीक है, तो आज हम रिवीजन करेंगे मेटलर्जी का, पढ़ेंगे नहीं। समझ में आ रही है मेरी बात? रिवीजन करेंगे, एक ही लेक्चर के अंदर आपका पूरा मेटलर्जी कवर करते हैं, चाहे वो नीट से रिलेटेड हो, चाहे वो एडवांस से रिलेटेड हो, चाहे वो एम से रिलेटेड हो। तो आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के इंतजार में पीयूष मेश्वरी स्टार्ट करने जा रहा है एक और नया टॉपिक। कौन सा? मेटलर्जी। देखिए बेटा, मेटलर्जी में क्वेश्चंस क्या होते हैं? क्वेश्चंस होते हैं सबसे पहले तो कि कौन सा और किसका है। ठीक है, तो मेजर और भी अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। इसके अलावा किसके लिए कौन सा प्रोसेस यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। उसके अलावा एक और क्वेश्चन जो आता है वो एलिंगम डायग्राम से रिलेटेड आता है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चंस को अपन डिस्कस करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले अपन मेटलर्जी स्टार्ट करते हैं। तो मेटलर्जी में पहली बात तो आती है नेटिव ओर। नेटिव ओर किसके होते हैं? ए जी, ए यू, एच जी और पी टी। ये जो मेटल्स हैं ये नेटिव ओर की फॉर्म में मिलती है, मतलब फ्री फॉर्म में मिलती हैं। ये कंबाइंड फॉर्म में नहीं मिलती है, किसी के साथ कंपाउंड नहीं बनाती है। उसके बाद में बात करें अपन नेटिव ओर के बाद में कंबाइंड ओर की। कंबाइंड ओर जो होते हैं एक्सेप्ट एयू और पीटी, इनके अलावा सब कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं। अब यहाँ से पहला क्वेश्चन हो गया, सिल्वर जो है वो कंबाइंड ओर में भी, कंबाइंड फॉर्म में भी मिलता है और नेटिव फॉर्म में भी मिलता है, और मरकरी ऑल्सो कंबाइंड फॉर्म में भी मिलता है और नेटिव फॉर्म में भी मिलता है। तो पहला क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। ठीक, उसके बाद में बात करें मेटलर्जी है क्या। सबको पता है मेटलर्जी के अंदर अपन मेटल एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं, ओर से लेके आते हैं। ठीक है, तो जब ओर फ्रॉम माइंस, उसका क्या करते हैं बेटा? पल्वराइजेशन से मिलता है अपन को क्या? पाउडर्ड ओर। कौन सा ओर मिलता है बेटा? पाउडर्ड ओर मिलता है। पाउडर्ड ओर का हम क्या करते हैं यहां पे? कंसंट्रेशन करते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर में अपन इजीली रिमूवेबल इम्प्यूरिटीज को हटाते हैं। ओर के कंटेंट, जो ओर का फॉर्मूला, उसके ऊपर मेजर कोई इफेक्ट नहीं आता है। ठीक है, और यहां से जो मिलता है उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड ओर। कॉन्सेंट्रेटेड ओर से तीन टाइप की मेटलर्जी चलती है, एक इलेक्ट्रोमेटलर्जी, एक पायरोमेटलर्जी और एक हाइड्रोमेटलर्जी। किसके लिए कौन सी करेंगे अभी सब चीजें आ जाएगी इसके अंदर। ठीक है, और फिर पायरोमेटलर्जी के अंदर सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं? कन्वर्जन ऑफ ओर इंटू ऑक्साइड। ठीक है ना, और फिर ये तीनों प्रोसेस में होता है क्या? रिडक्शन। कौन कौन से रिडक्शन होते हैं अभी सब डिस्कस करते हैं। उसके बाद में जो मेटल मिलती है वो इम्प्योर फॉर्म में मिलती है। तो क्या मिली अपन को? इम्प्योर मेटल। और इम्प्योर मेटल से आ गए अपन किसकी तरफ? प्योर मेटल की तरफ। किसकी तरफ आ गए? प्योर मेटल की तरफ। तो इसमें कर देंगे अपन क्या? रिफाइनिंग। क्या कर देंगे बेटा? रिफाइनिंग कर देंगे। समझ में आ गई बात? ये स्टेप्स अपन फॉलो करते हैं। अब समझना, ओर फ्रॉम पल्वराइजेशन में तो क्रशिंग करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं। उसके बाद में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर की बात करें तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर के दो प्रोसेस है ना। एक तो होता है फिजिकल प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? फिजिकल प्रोसेस। दूसरा होता है केमिकल प्रोसेस। ठीक है, केमिकल प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन? लीचिंग बोलते हैं। ठीक, फिजिकल प्रोसेस में एक होता है कौन सा? फ्रोथ फ्लोटेशन। ठीक, एक होता है ग्रेविटी सेपरेशन, जिसको लेविगेशन भी बोलते हैं, और एक होता है अपना कौन सा? मैग्नेटिक सेपरेशन। नोट करते जाना पॉइंट्स को। ठीक है, फ्रोथ फ्लोटेशन करते हैं किसके लिए? सल्फाइड ओर के लिए। किसके लिए? सल्फाइड ओर के लिए। ठीक, ग्रेविटी सेपरेशन या लेविगेशन जो है वो हेवी ओर्स के लिए करते हैं। हेवी ऑक्साइड भी ले सकते हैं, हेवी मेटल ऑक्साइड हो गए, ठीक है ना, कार्बोनेट हो गए, इन सब के लिए अपन क्या कर सकते हैं? ऑक्सीजन कंटेनिंग ओर्स के लिए ग्रेविटी सेपरेशन कर सकते हैं। मैग्नेटिक सेपरेशन की बात करें तो मैग्नेटिक सेपरेशन SNO2 टिन स्टोन या कैसेटेराइट के लिए किया जाता है, Fe2O3 के लिए किया जाता है,
ठीक है ना, MnO2 के लिए किया जाता है पायरोलुसाइड जिसको अपन बोलते हैं, और क्रोमाइट और FeCr2O4 के लिए किया जाता है, इन सब के लिए मैग्नेटिक सेपरेशन किया जाता है। इसके ये पार्ट नॉन मैग्नेटिक होता है, इसके अंदर वुल्फ्रामाइट की इंप्यूरिटी होती है जो कि मैग्नेटिक होती है, वुल्फ्रामाइट की इंप्यूरिटी होती है जो कि मैग्नेटिक होती है, जिसका फॉर्मूला FeWO4 और MnWO4 होता है, ठीक है ना, MnWO4 होता है, ठीक। ये सब मैग्नेटिक होते हैं और इनके अंदर इंप्यूरिटी ऐसा की होती है। मैग्नेटिक सेपरेशन कब करते हैं, जब एक मैग्नेटिक और दूसरा नॉन मैग्नेटिक हो। उसके बाद में बात आती है केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस में एक तो आता है अपने पास में कौन सा प्रोसेस बेटा, बेयर्स प्रोसेस, एक तो हो गया कौन सा बेयर्स प्रोसेस, और दूसरा होता है कौन सा साइनाइड प्रोसेस, साइनाइड प्रोसेस, ठीक है बेटा। साइनाइड प्रोसेस किसके लिए करते हैं, एजी AU नेटिव फॉर्म के लिए, और किसके लिए Ag2S के लिए। बेयर्स प्रोसेस किसके लिए करते हैं, रेड बॉक्साइड के लिए करते हैं, जिसके अंदर इंप्यूरिटी होती है किसकी, Fe2O3 की मेजर इंप्यूरिटी होती है, ठीक है ना। और लीचिंग एजेंट क्या यूज करते हैं, NaOH यूज करते हैं। बॉक्साइड किसका और है, Al2O3 का और है, एम्फोटेरिक बेस रिएक्शन कर लेंगे, सोल्यूबल कंपाउंड बन जाएंगे, Fe2O3 इनसोल्यूबल रह जाएगा, सेपरेट कर लेंगे, फिर उसके अंदर क्या डाल देंगे, CO2 डाल देंगे, CO2 डाल देंगे, समझना Al2O3 से बना था AlOH होल फोर नेगेटिव, किसकी प्रेजेंस में, OH माइनस की प्रेजेंस में। तो अपन क्या करते हैं, इसमें CO2 डालते हैं, ये बेस था, एसिड डालेंगे, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी और PPT मिल जाएगा किसका, Al2O3 का वापस से। साइनाइड प्रोसेस में लीचिंग एजेंट क्या यूज करते हैं अपन, NaCN, क्या यूज करते हैं बेटा, NaCN, NaCN सिल्वर गोल्ड के साथ में कॉम्प्लेक्स बना लेता है एयर की प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में। अपन क्या करते हैं, AgCN होल टूवाइज नेगेटिव ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और इसके अंदर कौन सी मेटल डाल देते हैं, जिंक मेटल डाल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट होता है, और डिस्प्लेसमेंट होता है तो मिलता है सिल्वर का PPT, और क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है ना बेटा, और यहाँ क्या मिल जाएगा, ZnCn होल फोर टू नेगेटिव, समझ में आ गया। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा हो जाता है आपका कौन सा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। नेक्स्ट बात आती है उसके अंदर इलेक्ट्रोमेटलर्जी की, समझना। सबसे पहले मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिख देता हूँ। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखने से क्या है, आपको रिडक्शन फटाफट से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो भाई, किसके लिए कौन सी मेटलर्जी करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से फटाफट से हो जाता है। लिथियम से लेकर फिर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद ये अपनी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इनके लिए एस ब्लॉक और एल्यूमिनियम के लिए तो अपन इलेक्ट्रोमेटलर्जी करते हैं, है ना। फिर उसके बाद में मैंगनीज से लेकर जितने भी बचते हैं कहाँ तक, मरकरी तक, इनके लिए अपन कौन सी पायरोमेटलर्जी करते हैं, मतलब गर्म करना, ठीक है। और इसके लिए अपन क्या करते हैं, हाइड्रोमेटलर्जी करते हैं, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से डिस्प्लेस करवा देते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना बहुत आसान है, किसके थ्रू, अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के थ्रू चलेंगे तो किसके लिए कौन सा प्रोसेस करते हैं, बहुत आसान है। इसके बाद बात आती है किसकी, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन की, फिर आएंगे रिडक्शन पे। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, इसके अंदर हम क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं ऑक्साइड के अंदर। अब क्वेश्चन आता है कि ऑक्साइड में कन्वर्जन करने की जरूरत कहाँ आ रही है, देखो समझना। सल्फाइड ओर की अगर मैं बात करूँ और कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट अगर मैं लेऊँ तो यहाँ पे बनता है क्या, सी एस टू, क्या बनता है, सी एस टू, और ऑक्सीजन लूंगा तो बनेगा क्या, सी ओ टू। सी ओ टू का बनना थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल है किसके कंपेरिजन में, सी एस टू के कंपेरिजन में। तो जब आप किसी मेटल सल्फाइड को लेते हो तो सी एस टू बनने के चांसेस कम होते हैं, इसलिए मेटल के मिलने के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। पर अगर मेटल ऑक्साइड लेते हो और कार्बन से रिएक्शन कराते हो तो CO2 का बनना स्पॉन्टेनियस होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन चली जाती है और आराम से आपको मेटल मिल जाती है। तो इसलिए कार्बन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट अपन यूज करते हैं, पर किसके लिए, मेटल ऑक्साइड को कन्वर्ट करते हैं। तो पहले मेटल ऑक्साइड, मेटल सल्फाइड को किस में कन्वर्ट करेंगे, मेटल ऑक्साइड के अंदर। तो हम यहाँ पे कन्वर्जन स्टेप में रोस्टिंग और कैल्सिनेशन दो चीज़ें यूज करते हैं, जिसके अंदर हम मेटेलिक ओर को किसके अंदर करते हैं, ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ऑक्सीजन कंटेनिंग ओर की अगर मैं बात करूँ, किसकी बात करूँ, ऑक्सीजन कंटेनिंग ओर, जैसे कि कार्बोनेट को हीट किया, CaCO3 की बात करी, हीट किया तो मिल गया CaO + CO2।
इन एब्सेंस ऑफ एयर की अगर मैं बात करूं, क्योंकि जब इसमें पहले से ऑक्सीजन है, इन एब्सेंस ऑफ एयर की बात करूं तो हम उसको कैल्सिनेशन बोलेंगे। जिनके पास ऑक्सीजन नहीं है, जैसे ले लिया ZnS, O2 के साथ रिएक्शन करेगा, बन जाएगा क्या ZnO, साथ में क्या SO2, तो यहां पे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है तो उसको बोल देंगे रोस्टिंग। फटाफट सुनना, रोस्टिंग का मतलब क्या है? हीटिंग ऑफ ओर इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इन एब्सेंस ऑफ एयर, बिलो मेल्टिंग पॉइंट। बिलो मेल्टिंग पॉइंट क्यों रखते हैं? क्योंकि अगर सॉलिड स्टेट में रहेगा, ये SO2 निकलेगी, CO2 निकलेगी, निकलने की वजह से ये जो है और पोरस होता चला जाएगा तो अंदर सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। जब आप रिड्यूसिंग एजेंट डालोगे तो रिएक्शन अंदर तक जाकर होगी, ये बात समझ में आई? इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, बिलो मेल्टिंग पॉइंट गर्म करते हैं। कैल्सिनेशन थर्मल डिकम्पोजिशन है, जबकि ये ऑक्सीडेटिव रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये कौन सा है? थर्मल डिकम्पोजिशन है। ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है, जबकि ये प्रोसेस कौन सा होता है बेटा? एंडोथर्मिक होता है, क्योंकि अपन यहाँ पे हीट देते हैं जबकि यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। समझ में आ गई बात? यहाँ का मेजर प्रोडक्ट क्या होता है? SO2। यहाँ का मेजर प्रोडक्ट क्या होता है? CO2। दोनों के अंदर ही जो है वो वाटर, मतलब अगर वाटर है तो वो उड़ जाएगा, क्योंकि गर्म कर रहे हैं तो दोनों के अंदर डिहाइड्रेशन होता है, ये सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये हो गया रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिडक्शन। अपने पास जो जो रिडक्शन है अपन उसकी बात करते हैं। देखो भाई, रिडक्शन में अपने पास सबसे पहले है कौन सा? एक तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। ये किसके लिए करते हैं बेटा? एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड एल्यूमिनियम के लिए। कौन सी स्टेट में? मोल्टन स्टेट में। जनरली क्या लेते हैं? क्लोराइड लेते हैं। बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम के लिए क्या लेते हैं? ऑक्साइड लेते हैं, क्योंकि इनके क्लोराइड कोवेलेंट होते हैं, कंडक्टिविटी शो नहीं करते। बाकी सब के लिए अपन क्या लेते हैं? क्लोराइड लेते हैं। समझ में आ गई बात? फिर नेक्स्ट उसके बाद में बात करें, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के बाद में आता है अपने पास में सेल्फ रिडक्शन, जिसको ऑटो रिडक्शन भी बोलते हैं। सेल्फ रिडक्शन किसके लिए करते हैं? कॉपर और लेड के लिए यूज करते हैं। क्यों करते हैं? मरकरी के लिए भी करते हैं, पर कॉपर और लेड के लिए कमर्शियली ज्यादा यूज करते हैं। कॉपर का सल्फाइड ओर जो होता है उसको पार्शियली रोस्ट किया जाता है, मिलता है क्या? CU, और साथ में क्या? CU2O, और साथ में क्या? SO2। पार्शियली रोस्ट करते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देते हैं, और CU2S जो है, बचा हुआ CU2S बने हुए CU2O के साथ में रिएक्शन करके CU+SO2 बना लेता है, तो खुद को रिड्यूस कर देता है। इसी को बोलते हैं अपन क्या? सेल्फ रिडक्शन। तो सेल्फ रिडक्शन किसके लिए करते हैं अपन? CU and PB के लिए करते हैं। ठीक है, उसके बाद में हाइड्रोमेटलर्जी वाला पार्ट आता है, जिसको अपन बोलते हैं क्या? मेटल डिस्प्लेसमेंट। मेटल डिस्प्लेसमेंट में कौन जाता है अपना? Ag and Au जाता है। मरकरी जो है वो थर्मल डिकम्पोजिशन। क्यों बेटा? क्योंकि HgO अनस्टेबल होता है। ठीक है, HgO को यहाँ भी ले सकते हैं और यहाँ भी ले सकते हैं। HgO अनस्टेबल होता है, 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करने पे किस में चला जाता है? Hg के अंदर चला जाता है। तो ये हो गया क्या? थर्मल डिकम्पोजिशन। फिर उसके बाद में आ जाओ बेटा, कौन सा? कार्बन रिडक्शन। सबसे ज्यादा कौन सा रिडक्शन? कार्बन रिडक्शन। तो पायरोमेटलर्जी के अंदर अगर मैं सेल्फ रिडक्शन को हटा दूं, थर्मल डिकम्पोजिशन को हटा दूं, और कौन सा? एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस, जो कि यूज किया जाता है किसके लिए? मैंगनीज और क्रोमियम के लिए। इनको हटा दूं तो जितने भी मेटल है उन सब के लिए कौन सा रिडक्शन किया जाता है? कार्बन रिडक्शन। जैसे कि समझना, कार्बन रिडक्शन करेंगे किसके लिए? आयरन के लिए, जिंक के लिए, लेड के लिए भी कर सकते हैं, कॉपर के लिए भी कर सकते हैं, पर करते नहीं है। जबरदस्ती कार्बन को यूज करके कोस्टिंग बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गई बात? तो किसको यूज करेंगे, किसके लिए करेंगे? आयरन के लिए यूज करेंगे, जिंक के लिए यूज करेंगे, टिन के लिए यूज करेंगे। समझ में आ गई बात? तो ये हो गए कौन से आपके? कार्बन रिडक्शन की बात। ठीक, अब इसमें कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे एक वर्ड आता है क्या? स्मेल्टिंग का बेसिक मतलब है स्लैग फॉर्मेशन। क्या है बेटा? स्लैग फॉर्मेशन। पर कभी कभी इसको, स्मेल्टिंग को कार्बन रिडक्शन भी बोल दिया जाता है। देखो, अगर प्रॉपर मीनिंग पे जाएं तो स्मेल्टिंग का मतलब स्लैग फॉर्मेशन होता है, क्योंकि जनरली स्लैग फॉर्मेशन कार्बन रिडक्शन के टाइम होता है। ठीक है ना, तो इसलिए कार्बन रिडक्शन को कभी कभी स्मेल्टिंग भी बोल दिया जाता है। अच्छा, ऑप्शन आए, स्मेल्टिंग क्या है, स्लैग फॉर्मेशन या कार्बन रिडक्शन, सिंगल चॉइस आएगा तो क्या आंसर लगाएंगे? स्लैग फॉर्मेशन। स्लैग फॉर्मेशन ऑप्शन नहीं है तो आंसर क्या लगाएंगे? कार्बन रिडक्शन। समझ में आ गई बात? फिर उसके बाद में एक और वर्ड आता है, सिंटरिंग।
सिंटरिंग का मतलब क्या होता है, सिंटरिंग में अपन क्या करते हैं, जैसे रोस्टिंग करी रिवर्बरेटरी फर्नेस के अंदर, फर्नेस के अंदर अपन रोस्टिंग करते हैं, रोस्टिंग करने के बाद में क्या करते हैं, पाउडर ओर को निकाल लेते हैं जो कि सॉलिड स्टेट में होता है, क्योंकि रोस्टिंग बिलो मेल्टिंग पॉइंट होती है। अब क्या होता है, फर्नेस की जो सरफेस होती है उस पर पाउडर चिपका रहता है, पाउडर चिपका रहता है तो अपन क्या करते हैं, मतलब ओर चिपका रहता है तो वो खराब नहीं होना चाहिए, तो अपन क्या करते हैं टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ा के क्या करते हैं उस पाउडर को पूरे को एक गर्म करके लिक्विफाई करते हैं, और लिक्विफाई होकर वो बल्कि मास में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये प्रोसेस जो है वो अबव मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं क्या, सिंटरिंग। समझ में आ गई बात। इसके बाद में एक वर्ड होता है रिफ्रैक्टरी, रिफ्रैक्टरी, रिफ्रैक्टरी का मतलब होता है कंपाउंड्स हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट, जो फर्नेस होता है, फर्नेस की सरफेस पे इनर कोटिंग में जो ब्रिक्स लगाई जाती है जो टेम्परेचर एब्जॉर्ब करने का काम करती है, उनको बोलते हैं अपन क्या, रिफ्रैक्टरी, जिनके मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, SiO2 हो गया, MgO हो गया, Al2O3 हो गया, इस तरीके कंपाउंड्स की ब्रिक लगाई जाती है, इनको क्या बोलते हैं अपन, रिफ्रैक्टरी। तो सिंटरिंग समझ में आ गया होगा, रिफ्रैक्टरी समझ में आ गया होगा, स्लैग फॉर्मेशन का मतलब समझ में आ गया होगा। फ्लक्स क्या होते हैं, फ्लक्स होते हैं जो इम्प्यूरिटीज़ के साथ में रिएक्शन करके, किसके साथ में, इम्प्यूरिटीज़ के साथ में रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं बेटा, स्लेग बना लेते हैं, ठीक है ना। मतलब जैसे इम्प्यूरिटी Fe2O3 ले लिया अपन ने, हेमेटाइट जिसको अपन बोलते हैं, इसके अंदर इम्प्यूरिटी होती है किसकी, SiO2 की, तो अपन फ्लक्स डालते हैं CaO, वैसे तो CaCO3 डालते हैं, ये डिकम्पोज होकर क्या देता है, CaO, तो आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, CaSiO3 बना लेते हैं, और CaSiO3 क्या होता है, स्लेग होता है, तो यहाँ पर इम्प्यूरिटी क्या थी बेटा, SiO2 की, तो अपन ने फ्लक्स कौन सा यूज किया, CaO। समझ में आ गई बात। जैसे कॉपर की बात करूं, कॉपर में जब अपन कॉपर की रिफाइनिंग करते हैं तो कॉपर के अंदर इम्प्यूरिटी होती है किसकी, FeO की। अब ये कैसी इम्प्यूरिटी है, बेसिक इम्प्यूरिटी है, तो यहाँ पे हम डालते हैं SiO2 फ्लक्स की फॉर्म में, ठीक है, तो बन जाता है FeSiO3, जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्लेग बोलते हैं, ठीक। ये सीमेंट इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं, कौन से स्लेग, सिलिकेट स्लेग। अगर मैं बात करूँ CaO में, अगर मैं P4O किसके अंदर, आयरन के अंदर, आयरन की मेटलर्जी में P4O10 की इम्प्यूरिटी होती है, CaO के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो बनेगा क्या, Ca3PO4, इसका नाम है थॉमस स्लेग। कौन सा स्लेग बेटा, थॉमस स्लेग। समझ में आ गई सबको बात। तो ये हो गया अपना कौन सा, रिडक्शन वाला पार्ट और इम्पोर्टेंट टर्म्स। अब बात आती है किसकी, रिफाइनिंग की, तो समझना रिफाइनिंग किसके लिए कौन सी करेंगे, ठीक है। तो देखिए भाई, रिफाइनिंग के लिए आपकी रिफाइनिंग किस किस के लिए कौन सी की जाती है लिख दिया गया है, ठीक है ना, अपन डिस्कस कर लेते हैं किसके लिए कौन कौन सी की जाती है और उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, डिस्टिलेशन करते हैं किसके लिए, जिंक कैडमियम मरकरी के लिए। मतलब क्या है डिस्टिलेशन का, अबव बॉइलिंग पॉइंट अपन क्या करते हैं, इम्प्योर मेटल को गर्म करते हैं, जब उसके अंदर जो इम्प्यूरिटीज़ है उनका बॉइलिंग पॉइंट प्योर मेटल के बॉइलिंग पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा होता है, उस केस में अपन क्या करते हैं, डिस्टिलेशन करते हैं। डी ब्लॉक में इनके बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होते हैं, D10 कॉन्फिगरेशन होता है, मेटल मेटल बॉन्डिंग वीक होती है, इस वजह से जिंक कैडमियम मरकरी के लिए क्या करते हैं अपन, डिस्टिलेशन करते हैं। समझ में आ गई बात। लिक्विफेक्शन का मतलब क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर इम्प्योर मेटल को उसके मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर हीट करते हैं, ठीक है ना, और किसके लिए करते हैं, जिनके मेल्टिंग पॉइंट इम्प्यूरिटी के कंपैरिजन में कम होते हैं। तो लेड टिन बिस्मथ पी ब्लॉक की मेटल होती है, इनके साइज बड़े होते हैं, नॉन मतलब मेटलिक करेक्टर कम होते हैं, मेटल मेटल बॉन्ड वीक होते हैं, इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, कम होते हैं, और मेल्टिंग पॉइंट कम होने की वजह से इनके लिए अपन क्या करते हैं बेटा, लिक्विफेक्शन करते हैं। अमलगमेशन की बात करें तो अमलगमेशन किसके लिए करते हैं अपन, AG और AU के लिए। ग्रेविटी सेपरेशन का मेथड है, किसका मेथड है, ग्रेविटी सेपरेशन का मेथड है, और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर अपन क्या करते हैं, मरकरी की स्ट्रीम लेते हैं, उसके ऊपर AG या AU मेटल इम्प्योर फॉर्म में जो है वो मिक्स करवाते हैं, नीचे की तरफ AG और AU बैठ जाती है, क्योंकि इनकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, इम्प्योरिटी ऊपर वाली लेयर में रहती है, नीचे वाली लेयर में AG या AU रहते हैं, लेयर सेपरेट करते हैं, डिस्टिलेशन करते हैं, और अपन क्या ऑप्टेन कर लेते हैं, AG और AU ऑप्टेन कर लेते हैं। क्यूपलेशन, क्यूपलेशन किसके लिए करते हैं, सिल्वर के लिए करते हैं, जिसमें लेड की इम्प्योरिटी होती है। क्या प्रोसेस है, क्यूपेल होता है, क्यूपेल एक कंटेनर टाइप का होता है, ठीक है ना,
ऐसा क्यूपेल बोन एश का बना होता है, इसके अंदर एजी और जिसमें पीबी की इम्प्यूरिटी है, हॉट एयर पास करते हैं, हॉट एयर मतलब गर्म हवा के झोंके, हॉट एयर पास करते हैं तो पीबी की क्या बन जाता है, पीबी वोलेटाइल पीबीओ बना लेता है, सिल्वर ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करता है गर्म करने पे, तो सिल्वर बचा रह जाता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, क्यूपलेशन। नेक्स्ट जब बात करते हैं पार्क प्रोसेस और पेटिनसन प्रोसेस की, पार्क प्रोसेस और पेटिनसन प्रोसेस जो है वो लेड जिसके अंदर किसकी इंप्यूरिटी होती है, सिल्वर की इंप्यूरिटी होती है, उसके लिए करते हैं, समझना। पार्क प्रोसेस का मतलब क्या है, पार्क प्रोसेस लेड जिसमें किसकी इंप्यूरिटी है, सिल्वर की इंप्यूरिटी है, उसके अंदर अपन क्या डाल देते हैं, जिंक डाल देते हैं, जिंक डाल देंगे तो जिंक डी ब्लॉक का, सिल्वर डी ब्लॉक का और पीबी जो है वो कौन से ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का है, तो सिल्वर जो है वो पीबी और जिंक दोनों के साथ में, सिल्वर जो है वो पीबी और जिंक दोनों के साथ में एलोए का फॉर्मेशन कर सकता है, पर ज्यादा मजा उसको किसके साथ आता है, जिंक के साथ आता है, क्योंकि दोनों कौन से ब्लॉक के, डी ब्लॉक के, साइज मैच कर जाते हैं, इस वजह से एजी और एजी किसके साथ चला जाता है, जिंक के साथ, तो ऊपर वाली लेयर में आ जाता है आपका एजी जिंक और नीचे की तरफ क्या होता है पीबी, फिर लेयर्स को सेपरेट करते हैं, लेयर को सेपरेट करने के बाद में क्या कर देते हैं, डिस्टिलेशन कर देते हैं, और डिस्टिलेशन करते हैं तो जिंक जो है वो वेपर फॉर्म में अलग हो जाता है और बच क्या जाता है अपने पास, सिल्वर। तो ये डीसिल्वराइजेशन मेथड है, समझ गए बात को। ऐसे ही पेटिनसन प्रोसेस की बात करें तो पेटिनसन प्रोसेस क्या है, मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है, प्योर पीबी, प्योर पीबी का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कितना 327 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है ना, और इम्प्योर पीबी का जो है वो पीबी जिसके अंदर एजी की इम्प्यूरिटी होती है उसका मेल्टिंग पॉइंट 302 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो अपन क्या करते हैं, पहले तो इम्प्योर मिक्सचर को गर्म कर देते हैं, गर्म करते हैं किसके ऊपर, 327 के ऊपर, तो सब मोल्टन फॉर्म में आ गए। अब क्या करते हैं अपन, ठंडा करते हैं, ठंडा करते टाइम क्या करेंगे, टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे दोनों के बीच में, जिससे कि पीबी तो सॉलिडिफाई हो जाए और इम्प्यूरिटी वाला पीबी जो है जहाँ जहाँ मेजर पार्ट में एजी है वहाँ वहाँ तो वो लिक्विड फॉर्म में रहे, और जहाँ जहाँ एजी नहीं है वो वाला पार्ट किसमें हो जाए, सॉलिडिफाई हो जाए, सॉलिड क्रिस्टल्स को अलग कर लेते हैं और इस तरीके से बार बार प्रोसेस करते हैं। जब बार बार प्रोसेस करते हैं तो लेड कम होता चला जाता है, और लेड कम होता चला जाता है तो एक टाइम बाद एजी बचता है जिसमें किसकी इंप्यूरिटी होती है, पीबी की इंप्यूरिटी होती है, फिर क्या कर लेते हैं, क्यूपलेशन कर लेते हैं। देखो सिल्वर बेकार नहीं जाना चाहिए, सिल्वर बहुत महंगा है, लेड चाहे थोड़ा सा बेकार चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गई बात। उसके बाद में बात करें जोन रिफाइनिंग, तो अल्ट्रा प्योर में मेटल को ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं, जोन रिफाइनिंग करते हैं। जोन रिफाइनिंग में क्या करते हैं बेटा, कि अपन इंप्योर मेटल लेते हैं, इंप्योर मेटल लेते हैं, इंप्योर मेटल पे SiO2 की लेयर बना देते हैं, जिससे कि जब अपन यहाँ पे हीटर लगाएंगे तो मेटल मेल्ट होके बाहर ना निकले, क्वार्ट्ज जिसको बोलते हैं SiO2, ठीक। हीटर को एक ही डायरेक्शन में मूव करवाते हैं, जहां जहां हीटर होता है वहां वहां मेटल लिक्विड स्टेट के अंदर आ जाती है, ठीक है, और बाकी सब जगह क्या होती है, सॉलिड स्टेट के अंदर होती है। इम्प्यूरिटीज को मजा किस में आता है, लिक्विड में या सॉलिड में, लिक्विड में, क्यों, क्योंकि वहां पे उसको मूव करने को मिलता है, एंट्रोपी बढ़ रही है, इसलिए क्या होता है कि जैसे जैसे हीटर मूव करता है इम्प्यूरिटीज भी उस हीटर के साथ साथ क्या करती है, मूव करती है। तो जब अपन बार बार इस प्रोसेस को करते हैं, जब बार बार प्रोसेस को करते हैं तो ये वाला पार्ट जो है वो प्योर हो जाता है और इम्प्यूरिटीज इस तरफ मूव कर जाती है, ठीक है, और इसको कट कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। तो अल्ट्रा प्योर फॉर्म में हमें सेमीकंडक्टर्स की जरूरत होती है और उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, जोन रिफाइनिंग, जिसके अंदर हम पर्टिकुलर जोन को रिफाइन करने का काम करते हैं। नेक्स्ट बात आती है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग की, तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के अंदर अपन दो तरह की इलेक्ट्रो रिफाइनिंग होती है, एक तो मोल्टन एस ब्लॉक एल्यूमिनियम के लिए, किसके लिए, मोल्टन एस ब्लॉक, मोल्टन फॉर्म में होती है एस ब्लॉक एल्यूमिनियम के लिए, और एक्वस मीडियम में होती है इनके अलावा जितनी भी मेटल्स है आयरन और मर्करी को छोड़ के, क्योंकि मर्करी के लिए इजीली डिस्टिलेशन किया जाता है, आयरन प्योर फॉर्म में यूज नहीं किया जा सक करते हैं, स्टील फॉर्म में यूज करते हैं, या और भी दूसरे तरीके हैं जिनके लिए अपन जिससे अपन क्या है कि मेटल को मतलब प्यूरीफाई कर सकते हैं, और भी सस्ते तरीके हैं मेटल आयरन को प्यूरीफाई करने के लिए। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग बड़ा ही महंगा मेथड होता है, जब अपने पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है तब जाके अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग यूज करते हैं, समझ में आ गई बात। तो एस ब्लॉक एल्यूमिनियम के लिए मोल्टन फेज में, और इन सब के लिए किसके अंदर, पानी में जब यूज करते हैं तो मेटल सोल्यूबल सॉल्ट
और उसका एसिड यूज करते हैं, जैसे कॉपर की रिफाइनिंग करी तो कॉपर इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में कॉपर की रिफाइनिंग करी तो इम्प्योर कॉपर का तो क्या ले लेते हैं अपन, एनोड ले लेते हैं, नीचे की तरफ इम्प्यूरिटीज आ जाती है। ठीक है बेटा, नीचे की तरफ क्या आ जाती है, इम्प्यूरिटीज आ जाती है। इम्प्यूरिटीज एनोड के नीचे जो मिलती है वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, जैसे Ag, Au, Pt, ठीक है ना, सेलेनियम, टेल्यूरियम, नॉन मेटेलिक इम्प्यूरिटीज जो कि पानी में आयनाइज नहीं हो सकती है, या लेस रिएक्टिव मेटल की इम्प्यूरिटीज जो कि पानी में आयनाइज नहीं हो सकती है वो एनोड के नीचे मिलती है। इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में CuSO4 प्लस H2SO4 यूज करते हैं, ठीक है ना, और वहाँ पे एनोड जो है, कैथोड जो है बहुत पतली सी स्ट्रिप ली जाती है प्योर मेटल की। जिंक के केस में एनोड किस, कैथोड, जिंक की रिफाइनिंग में कैथोड जो है वो किसका लिया जाता है बेटा, एल्यूमिनियम का लिया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से प्रोसेस चालू करते हैं, मेटल सोल्यूबल सॉल्ट और उसका एसिड जो है वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है, यहाँ से मेटल निकलती है, निकल के यहाँ पे डिपॉजिट हो जाती है। ठीक है, पहले तो ये डिपॉजिट होगा, उसके बाद में यहाँ पे अंदर की तरफ मेटल आएगी। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इम्प्यूरिटीज जैसे Zn2+, Fe2+, ये एक्वस फॉर्म में पानी में रहती है, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो ये इजीली रिड्यूस नहीं होगी। उसके बाद में बात करें, एक आता है बेसेमराइजेशन जो कि स्टील फॉर्मेशन का मेथड है। ये इंडिविजुअल जो पढ़ाऊंगा, इंडिविजुअल मेटलर्जी, उसी के अंदर कवर करेंगे अपन क्या, बेसेमराइजेशन वाला पार्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट उसके बाद में बात करें वेपर फेज रिफाइनिंग। वेपर फेज रिफाइनिंग के अंदर अपन क्या करते हैं, एक तो निकल के लिए यूज करते हैं जिसका नाम होता है मोंड्स प्रोसेस। इसमें हम क्या करते हैं, निकल को, इम्प्योर निकल को कार्बन मोनोऑक्साइड के अगर साथ गर्म करते हैं, NiCO4 की वेपर्स बनाते हैं। इन वेपर्स को इकट्ठा करते हैं और हाई टेम्परेचर के ऊपर क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। निकल मेटल मिलती है प्योर फॉर्म के अंदर और CO गैस उड़ जाती है। यहाँ पे इम्प्यूरिटी CO के साथ रिएक्शन तो करती है पर वोलेटाइल कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करती है। इस तरीके से हम प्योर निकल को ऑप्टेन कर सकते हैं, ये वेपर फेस रिफाइनिंग में मोंड्स प्रोसेस है। वैन ऑर्कल प्रोसेस में क्या करते हैं अपन, टाइटेनियम हो गया, जिरकोनियम हो गया और हेफनियम हो गया, या बोरोन भी ले सकते हैं अपन, इसको गर्म करते हैं किसके साथ में, आयोडीन के साथ में, और बन जाता है क्या, MIX टाइप का कंपाउंड। X की वैल्यू इनके लिए कितनी होती है, 4, और इसके लिए कितनी होती है, X की वैल्यू 3, वैलेंसी जो होती है। इस MIX को इकट्ठा करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है ना, लगभग 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन होती है, ये 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन होती है लगभग, ठीक है, और ये कितने पे, 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पे टंगस्टन के फिलामेंट पे रिएक्शन होती है। गर्म करते हैं तो मेटल जो है वो प्योर फॉर्म में मिलती है, ठीक है ना, और आयोडीन जो है वो वेपर फॉर्म में उड़ जाती है। इस तरीके से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करके अपन प्यूरिफाई करते हैं किसको, मेटल को, और बोलते हैं क्या, वेपर फेज रिफाइनिंग, ठीक है। उसके बाद में पॉलिंग की बात करें तो पॉलिंग जो है वो CuSnPb के लिए करते हैं। करते क्या है, जब मेटल में उसके जब इम्प्योर मेटल में उसके ऑक्साइड की इम्प्यूरिटी होती है, मतलब Cu2O, SnO2 और PbO की इम्प्यूरिटी जब Pb, Sn और कॉपर में होती है तो क्या करते हैं, ताज़ा हरे बांस का डंडा लेते हैं। ताज़ा हरे बांस का डंडा, फ्रेश ग्रीन पोल, जो कि क्या करता है, फ्रेश ग्रीन पोल गर्म करने पर अनबर्नट हाइड्रोकार्बन देता है। अनबर्नट हाइड्रोकार्बन CH4 एक वोलेटाइल रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है ना। तो जब कॉपर जिसके अंदर Cu2O है में अपन फ्रेश ग्रीन पोल घुमाते हैं मोल्टन मेटल में तो CH4 निकलती है। ये CH4 Cu2O को रिड्यूस करती है किसके अंदर, Cu में, और उड़ जाती है क्या, CO/CO2 और साथ में क्या, H2O। इस तरीके से मेटल को प्यूरिफाई किया जाता है, कौन से प्रोसेस से, पॉलिंग प्रोसेस से। समझ में आ गया, यहां पे हम क्या यूज करते हैं, वोलेटाइल रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये बात हुई किसकी बेटा, जनरल मेटलर्जी की। तो मेटलर्जी का फर्स्ट लेक्चर आज का अपना कंप्लीट होता है। एक लेक्चर छोटा सा और आएगा जिसके अंदर इंडिविजुअल मेटलर्जी डिस्कस की जाएगी, किस मेटल के लिए कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे, स्पेसिफिक अपन क्या करेंगे, मेटल का ओर से स्टार्ट करेंगे, प्योर मेटल ऑब्टेन करने के लिए हर एक मेटल में कौन कौन से प्रोसेस यूज करेंगे, ये आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताया जाएगा। चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।